इंतजामी उमूर हैं, कैसे चलेंगे जब तक नई काबीना नहीं बनती? लेकिन अभी तो मतलब है कि आप यूँ समझे कि क्राइसिस पैदा हो गया है और इसमें जब जा रहे 9 महीने में कोई इलेक्शन नहीं होगा, इस बात का तकाजा करता है कि या 60 दिन में होंगे या 9 महीने में 90 डेज में होंगे, तो ना 90 डेज में इलेक्शन हुए ना ही 60 दिन में हुए, तो अब तो जा रहे इसके एक आईनी बहरान ही है। आईनी बहरान के नतीजे में आप जा रहे ना अपोजिशन लीडर है और ना ही लीडर ऑफ दी हाउस है केपी में, तो या तो फिर दोबारा अगेन वो जो लीडर ऑफ दी हाउस था या जो अपोजिशन लीडर था तो उनकी कंसल्टेशन से आएगा, इसको जरा देखना पड़ेगा ठीक, क्योंकि आप देखना ये तो जो तरीकाकार है वो तो नेशनल असेंबली की कमेटीज बनती हैं और फिर अगर वो पोजीशन लीडर और लीडर ऑफ दी हाउस के दरमियान किसी बात पे इत्तेफाक ना हो सके तो उस नतीजे में फिर वो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होता है फिर वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो ये प्रोविंशियल असेंबली का क्वेश्चन इन्वॉल्व है ना, इसमें बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि अब आगे इसका बहरान का क्या हल निकाला जाता है और आइन इसका क्या हल देता है। आइन में प्रिजम्पशंस की बुनियाद पर तो नहीं चलना होता ना, आइन या तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी गवर्नर को ये पावर्स एक्सरसाइज कर ले, तफवीज कर दे, तो गवर्नर राज लगा दिया जाए।